हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, ये द हिंदू का एडिटोरियल है 9 जनवरी 2020 थर्सडे। देखते हैं किस बारे में। गाइस देखिए, यह लिखा है कि फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ वॉर। अब ये जो ब्रिंक ऑफ है, इसका इस्तेमाल मैं सिखा चुका हूँ अपने वीडियो में। इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी कगार पर हैं, जिसे बोलते हैं ना ऑन द वर्ज ऑफ, वही है ब्रिंक ऑफ। तो युद्ध के कगार से, देख रहे, फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ वॉर, वॉर मतलब युद्ध, और फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ का मतलब है कि उसके कगार से, यानी कि एकदम उस पॉइंट पे, वार के पॉइंट पर कोई बात अगर आ गई हो कि अब युद्ध होके रहेगा, उससे तो उससे बच गया या क्या हुआ, आगे देखते हैं। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप डिड वेल टू श्रग ऑफ ईरान्स रिटेलिएटरी स्ट्राइक। अब इसको तोड़ के देखते हैं। देखिए, ये आपका डिड क्या है, डू मतलब करना, और डू का सेकेंड फॉर्म ये डिड है। ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो डिड यानी कि किया, तो ये आपका वर्ब है, तो ये आपका सब्जेक्ट है। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया वेल, वेल अब क्या है, चूंकि वर्ब है तो इसके बारे में कुछ बता रहे हैं, तो एडवर्ब हो गया ये वेल, यानी कि यूएस प्रेसिडेंट ने अच्छा काम किया। क्या करके, टू श्रग ऑफ, श्रग ऑफ का मतलब होता है इग्नोर कर देना, झटक देना। टू श्रग ऑफ ईरान्स रिटेलिएटरी स्ट्राइक, यानी कि ईरान का जो बदला लेने वाला जो हमला था, रिटेलिएटरी का मतलब है कि अगर आपने हमला किया तो मैं जब हमला करूंगा तो वो मैं रिटेलिएट करूंगा, पलट कर जवाब दूंगा। तो ये जो पलट वार जो था, तो उस पर उसको श्रग ऑफ कर दिया, इग्नोर करके अच्छा काम किया। अगर इग्नोर नहीं करता तो बात आगे बढ़ सकती थी, इसलिए लिखा है कि फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ वॉर, युद्ध के कगार से वापस। अब देखिए, द लेटेस्ट स्पेल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द US एंड ईरान turned फुल सर्कल। अब ये जो turned है, ये आपका मेन वर्ब है, पास्ट indefinite टेंस है ना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो इससे पहले हमारा सब्जेक्ट है। अब देखिए कितना बड़ा सब्जेक्ट हो सकता है, द लेटेस्ट स्पेल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब है कि जो झगड़ा है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसका जो लेटेस्ट जो चरण है, जो उसका पीरियड है, किसके बीच है ये, बिटवीन द US एंड ईरान, US और ईरान के बीच जो है, तो ये आपका सब्जेक्ट है। टर्न फुल सर्किल, अब इसने पूरा एक सर्किल हो गया, यानी कि आधा तो यूएस ने किया था, उसने भी अटैक किया, इसको पूरा ही कर दिया, फुल सर्किल कर दिया। कब, ऑन वेंसडे, बुधवार को। वेन, अब यहाँ वेन ये क्लॉज जोड़ा गया है, इसे बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज। वेन तेहरान लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल अटैक्स एट अमेरिकन ट्रूप्स इन टू मिलिट्री बेसिस इन इराक इन रिटेलिएशन फॉर द असैसिनेशन ऑफ मेजर जनरल कासिम सुलेमानी। यहाँ पे फुल स्टॉप है। अब देख रहे हैं कैसे क्लॉजेज जुड़े होते हैं, तो वैन से जोड़ दिया कि भाई इन्होंने फुल सर्किल कर दिया, क्या करके, कब किया, वैन तेहरान, तेहरान मतलब जो ईरान का जो कैपिटल है, यानी कि ईरान के बारे में बात की जा रही, कि जब तेहरान ने लॉन्च किया बैलिस्टिक मिसाइल्स अटैक्स, मिसाइल अटैक कर दी, इसका नाम है बैलिस्टिक मिसाइल अटैक्स कर दिया, कहाँ पर, एट अमेरिकन ट्रूप्स, अमेरिका का जो ट्रूप है, कहाँ है, इन टू मिलिट्री बेसिस, उनके दो मिलिट्री बेसिस है इराक के अंदर, वहाँ पर अटैक कर दिया। क्यों किया, तो इन रिटेलिएशन फॉर द असैसिनेशन, यानी कि जो हत्या हो गई थी, असैसिनेशन का मतलब है हत्या, किसकी हुई थी, मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की, तो उसकी रिटेलिएशन में, उसके पलटवार में ये किया, तो ये हमला करके उन्होंने फुल सर्किल कर दिया। देख रहे हैं, फुल टर्न फुल सर्किल, कि भाई हिसाब बराबर है, तूने भी किया तो हमने भी कर दिया। अब आगे देखते हैं, इन इट्स फर्स्ट डायरेक्ट अटैक ऑन US फोर्सेज, यहाँ कॉमा है तो रुक जाइए, तो इतना बड़ा आपका क्या है, फ्रेज ही तो है, इन इट्स फर्स्ट डायरेक्ट अटैक, इट्स मतलब ये देश के बारे में कह रहा है, कि उसके इस पहले डायरेक्ट अटैक जो कि उसने US पर किया है, यानी कि ईरान ने जो US पे जो पहला डायरेक्ट अटैक किया है US फोर्सेज पर, ईरान टारगेटेड एयरबिल, तो इस अटैक में उसने कहाँ पे टारगेट किया, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कि ईरान ने टारगेट किया एयरबिल को, अब यहाँ कॉमा है और कुछ एयरबिल के बारे में बता रहा है, यानी कि ये अपोजिशन कहलाएगा, तो एक नाउन के बगल में एक कॉमा लगाकर एक वर्ड हो तो एक और नाउन आ गया, वो अगर दो तीन वर्ड हो, मोडिफायर लगे हो, तो वो नाउन फ्रेज हो सकता है, अगर वहाँ दैट क्लॉज से चालू हो तो वो नाउन क्लॉज भी हो सकता है, ये अपोजिशन का काम करता है, इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। देखिए, ईरान टारगेटेड एयरबिल, एयरबिल कौन, एयरबिल द कैपिटल ऑफ द इराकी कुर्दिस्तान इन नॉर्थ, समझ में आ गया एयरबिल के बारे में, कि नॉर्थ में जो इराकी कुर्दिस्तान है उसका कैपिटल है, तो वहाँ पे अटैक किया, एयरबिल पे टारगेट किया, एंड अल असद इन द वेस्ट, और वेस्ट में जो अल असद है वहाँ पर टारगेट किया,
विच, अब विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है जो इसके बारे में बता रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो विच इज सम 400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द ईरानियन बॉर्डर, तो ये जो अल असद जो है जो कि वेस्ट में है वो सम, सम मतलब लगभग 400 किलोमीटर दूर है ईरानियन बॉर्डर से, तो यहां पर ईरान ने टारगेट किया। क्लियर है यहां तक? अब आगे देखते हैं। द अटैक्स वर बोथ एन एक्ट ऑफ रिटेलिएशन एंड अ शो ऑफ इट्स कैपेबिलिटी। ये देखिए, ये बोथ एंड का इस्तेमाल होता है, आप कभी ग्रामर में पढ़ेंगे कि बोथ होगा तो बोथ के बाद एक आइटम, फिर एंड लगा होगा, फिर दूसरा आइटम। और ये जो वर है तो नॉर्मल आपने देखा होगा ना कि वो पागल था, ही वॉज मैड, तुम कमरे में थे, यू वर इन द रूम, यही वो वाज वर है ये कॉम्प्लीमेंट वाला। तो द अटैक्स वर बोथ, जो अटैक हुआ ये दोनों ही था, क्या था, एक्ट ऑफ रिटेलिएशन भी था, पलटवार भी था, एंड अ शो ऑफ इट्स कैपेबिलिटी, और अपनी क्षमता का एक शो भी था कि भैया हम भी कैपेबल हैं कि हम भी अटैक कर सकते हैं, जवाब दे सकती है, दोनों ही था। अब देखिए, फॉरेन मिनिस्टर जवद जारिफ इन्वोक्ड आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर, कॉमा है, रुकते हैं। तो ये जो फॉरेन मिनिस्टर है जिनका नाम ये जवद जारिफ है, इन्होंने आर्टिकल 51 का हवाला दिया। इन्वोक का मतलब होता है आवाहन करना, उसकी सहायता लेना, ये कहना कि भाई आर्टिकल 51 हमें अलाउ करता है ऐसे अटैक करने के लिए, तो उसका हवाला दिया जो कि यूएन का चार्टर है, यूएन का जो घोषणा पत्र होगा उसमें मेंशन है। अब यहाँ कॉमा है और विच लगा है, तो विच का मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये अपने बगल वाले के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि कॉमा के बाद है तो दे ना दे जरूरी नहीं था, दे रहा है तो ठीक है ले लेते हैं, मतलब उतना इसेंशियल नहीं है। देखिए, विच अलाउज, जो अलाउ करता है मेंबर स्टेट्स टू टेक मिलिट्री एक्शंस इन सेल्फ डिफेंस इफ दे कम अंडर अटैक। ये जो आर्टिकल 51 है उसके बारे में कह रहा है कि ये अलाउ करता है जो इसके मेंबर जो स्टेट्स हैं, जो लोग भी इस यूएन के अंदर जो मेंबर में है, उस स्टेट्स को अलाउ करता है टू टेक मिलिट्री एक्शन, कि वो मिलिट्री एक्शन ले सकता है इन सेल्फ डिफेंस, अपने बचाव में, अगर दे कम अंडर अटैक, कि अगर उन पर कोई अटैक होता है, वो अगर किसी अटैक के अंदर आते हैं तो वो ये कर सकते हैं। तो जितने भी उस ग्रुप के जो स्टेट्स हैं तो उनके लिए आर्टिकल 51 करके कुछ बना है, ये अलाउ करता है। क्लियर है? अब आगे देखिए, ही सेड, उसने कहा, किसने कहा, जवद जारिफ ने कहा, ईरान हैज टेकन एंड कंक्लूडेड प्रोपोर्शनेट मेजर्स इन सेल्फ डिफेंस, यानी कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है ना, कि ईरान हैज टेकन, ईरान ने जो वो मतलब प्रोपोर्शनेट मेजर लिया है, प्रोपोर्शनेट का मतलब है बराबर, बराबर उपाय किया है, कि अगर आपने किया तो हमने भी कर दिया, तो बराबरी का एक मेजर लिया है, एक उपाय किया है, एंड कंक्लूडेड, और उसको कंक्लूड भी कर दिया, उसको अंत भी कर दिया, मतलब निष्कर्ष भी उसका निकाल दिया, तो ये सब सेल्फ डिफेंस में किया है। अब आगे देखते हैं, विच कैन बी इंटरप्रेटेड, जिसका मतलब निकाला जा सकता है, ये जो ईरान ने किया है इसका इंटरप्रेट किया जा सकता है, कैन का पैसिव है ये, दैट ईरान इज नाउ रेडी फॉर डी एस्केलेशन, कि ईरान अब तैयार है डी एस्केलेशन के लिए, कि अब उसको एस्केलेट नहीं करना, उसको ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, उसको डी एस्केलेट करना है। क्लियर है गाइस? अब देखिए, द मैन हु इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेंट एक्सप्लोसिव सिचुएशन इज US President Donald Trump, यहाँ पे फुल स्टॉप है। अब देखिए, ये इज, यहाँ पर इज आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो इज से पहले सब्जेक्ट होगा, तो देख रहे हैं सब्जेक्ट कितना बड़ा है दोस्तों, द मैन से चालू है, अब द मैन, फिर इसमें एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाकर एक क्लॉज जोड़ दिया गया, देख रहे हैं कि द मैन वो व्यक्ति हु इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल, जो मुख्य रूप से जिम्मेदार है फॉर द करेंट एक्सप्लोसिव सिचुएशन, ये अभी जो ये बमबारी का जो सिचुएशन चल रहा है, एक्सप्लोसिव जो सिचुएशन है, तो वो मैन कौन है, वो मैन है इज US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वो डोनाल्ड ट्रंप है। अब आगे देखिए, हिज डिसीजन टू किल सुलेमानी, फिर कॉमा, अ टॉप ईरानियन मिलिट्री लीडर हु कमांडेड द एलिट कोडोस फोर्स फॉर ओवर टू डिकेड्स, फिर कॉमा, इन द इराकी कैपिटल, फिर कॉमा, वाज प्रैक्टिकली एन एक्ट ऑफ वार, फिर कॉमा, फोर्सिंग द इस्लामिक रेजिम टू रिस्पॉन्ड, फुल स्टॉप। अब देखिए कैसे इतने बड़े सेंटेंस को हम तोड़ेंगे गाइस, कॉमा बहुत मैटर करता है दोस्तों। देखिए पहले यहाँ से देखते, हिज डिसीजन टू किल सुलेमानी, इस कॉमा पे रुकते कि उसका फैसला, फिर क्या करने का, तो ये आपका इन्फिनिटिव से जोड़ दिया। देखिए हिज डिसीजन तो ये छोटा सा है, हिज डिसीजन उसका फैसला,
अब यहां जोड़ दिया टू किल, ये इन्फिनिटिव है क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तभी इन्फिनिटिव होगा, ये कोई प्रेपोजिशन नहीं है, ये इन्फिनिटिव है। टू किल सुलेमानी, सुलेमानी को मारने का उसका फैसला। अब कॉमा के बाद यहाँ क्या कह रहा है, ये जो सुलेमानी है इसके बारे में कुछ बता रहा है, ये आपका एपोजिशन है जो कि नाउन फ्रेज के रूप में है। सुलेमानी कौन? अ टॉप ईरानियन मिलिट्री लीडर, एकदम ईरानियन मिलिट्री का एकदम टॉप का लीडर। अब फिर इसी के बारे में फिर क्लॉज से जोड़ दिया, हु कमांडेड द एलिट कोडस फोर्स, जिसने कमांड किया, एलिट मतलब एकदम उच्च वर्ग का जो कोड्स फोर्स को कमांड किया फॉर ओवर टू डिकेस, कम से कम 20 सालों से उसको कमांड किया इन द इराकी कैपिटल, इराकी इराक के कैपिटल में। यहां तक हो गया। अब यह है कि हिज डिसीजन वॉज, तो वॉज प्रैक्टिकली एन एक्ट ऑफ वॉर। अब यहां जो वॉज आ रहा है वो डिसीजन के बारे में आ रहा है, और इतना जो ये बताया गया वो सुलेमानी के बारे में बताया गया, तो ऐसे सेंटेंस जुड़ते हैं। तो ये जो फैसला है सुलेमानी को मारने का वॉज प्रैक्टिकली एन एक्ट ऑफ वार, ये बिल्कुल एक वार का ही एक एक कार्रवाई था कि एकदम युद्ध को छेड़ा जा रहा था, एक्ट ऑफ वार था। अब यहाँ कॉमा है, फोर्सिंग, ये वार के बारे में बता रहा है, फोर्सिंग द इस्लामिक रिजिम टू रिस्पॉन्ड, यानी कि ये जो वार था ये क्या कर रहा था, इस्लामिक रिजिम को फोर्स कर रहा था रिस्पॉन्ड करने के लिए, यानी कि इनका जो फैसला था ना, एक तो वार से कम नहीं था और ये फोर्स कर रहा था, इस फैसले से क्या हो रहा था, इस्लामिक रिजिम जो है वो रिस्पॉन्ड करे, ऐसा कहीं ना कहीं फोर्स हो रहा था, ये बात कही गई। देख रहे हैं गाइस कैसे सेंटेंसेस को तोड़ना पड़ता है। अब देखिए, हाउएवर, फिर भी, ये सब तो ठीक है, फिर भी डिस्पाइट द वाइड रेंज ऑफ रेटोरिक इशूड बाई ईरानियन मिलिट्री लीडर्स एंड हार्डलाइन पॉलिटिशियंस, कॉमा है, रुक जाते हैं गाइस यहाँ तक तोड़ते हैं। हाउएवर, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, इस चीज के बावजूद, तो किसके बावजूद, द वाइड रेंज ऑफ रेटोरिक, रेटोरिक, रेटोरिक का मतलब होता है जो बयानबाजी है, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, तो वाइड रेंज, बहुत बड़े स्तर पे ये चल रहा था बयानबाजी, तो और ये यहाँ पर फिर एक ये पास्ट पार्टिसिपल जोड़ दिया, इशूड बाय, ये रेटोरिक किसके द्वारा हुआ था, इशूड बाय ईरानियन मिलिट्री लीडर्स, तो ईरान के जो मिलिट्री लीडर्स हैं एंड हार्डलाइन पॉलिटिशियन जो है, जो कट्टरपंथी वाले जो पॉलिटिशियन हैं, इन्होंने बड़ी बयानबाजी की, तो इसके बावजूद, इतनी बड़ी बड़ी बातें जो उन्होंने की उसके बावजूद, वाट तेहरान एक्चुअली डिड वॉज टू लॉन्च अ कैलकुलेटेड लिमिटेड स्ट्राइक। अब ये जो व्हाट से देख रहे हैं ना आप, ये आपका नाउन क्लॉज है, व्हाट यानी कि जो, तेहरान यानी कि जो ईरान, एक्चुअली डिड, जो वाकई ही ईरान ने किया, वाज वो क्या था, टू लॉन्च अ कैलकुलेटेड, वो बड़ा ही कैलकुलेटेड और लिमिटेड हमला किया, उसको लॉन्च किया, बड़ी बड़ी बातें की, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट जब किया तो बहुत ही लिमिटेड किया, एकदम दिमाग लगाया उसने। इट इज एज मच एन एक्ट ऑफ रिवेंज एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर डी एस्केलेशन। अब है कि इट इज, ये जो है, ये जो हमला है, एज मच, जितना ये एक एक्ट ऑफ रिवेंज है, एक बदला है, उतना ही, देख रहे, एज मच एज, उतना ही एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है फॉर डी एस्केलेशन, कि भैया अब हम बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं, खत्म कर देते हैं। क्लियर है जी? अब आगे देखते हैं। चलिए, जो नए लोग मुझे देख रहे हैं उन्हें मैं कुछ चीजें सिखा भी दूं, तो सिखाने में एक्चुअली थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप बोर ना हो, सीख लीजिए। एपोजिशन है, एपोजिशन देख रहे हैं आप, काफ़ी यूज़ हो रहा है। एपोजिशन क्या होता है कि एक नाउन होगा, नाउन आपको बताइए, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये नाउन है, यहाँ एक कॉमा होगा और फिर यहाँ पर हो सकता है एक और नाउन हो, या हो सकता है कि यहाँ पर एक नाउन फ्रेज हो ऐसे, या हो सकता है कि यहाँ पर एक नाउन क्लॉज हो। तो ये जो आइटम है ना, ये एपोजिशन है, ये इसके बारे में कुछ बताता है, कैसे, अब देखते हैं। मैं बोलूँ कि मिस्टर मोहन, मिस्टर मोहन, ओके, मिस्टर मोहन सिंह, और फिर मैं कॉमा कर दूँ, और एन इंग्लिश टीचर, टीचर इज एंजॉइंग, बस इतना मैंने बोल दिया छोटा सा, तो मेन तो है कि मिस्टर मोहन सिंह एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक कॉमा के बाद मैंने ये जो एक नाउन फ्रेज जो कर दिया ना, ये यहाँ तक, एन इंग्लिश टीचर, कि मिस्टर मोहन सिंह कौन है, जो कि इंग्लिश टीचर है, वो एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसे किसी भी नाउन के बगल में कुछ ना कुछ लिखा होगा, तो वो उसके बारे में ही कुछ बताता है, एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसके बाद आया था बोथ, बोथ के बाद डैश, फिर एंड और फिर डैश, जैसे मैं बोलूँ कि ही इज बोथ,
और यहाँ है कि अ टीचर एंड अ डांसर, तो इसका क्या मतलब है कि वो दोनों है, एक टीचर भी है और एक डांसर भी है। तो ऐसे बोथ एंड का भी न्यूज़पेपर में इस्तेमाल होता है। उसके बाद इस्तेमाल होता है डिस्पाइट। डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता है। स्पोकन इंग्लिश में हम लोग इंस्पाइट ऑफ ज़्यादा बोलते हैं, तो जो इंस्पाइट बोलेंगे तो ऑफ लगाना पड़ेगा, डिस्पाइट में नहीं लगाना है। तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ के बावजूद। तो अभी कैसे होगा, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि डिस्पाइट, और डिस्पाइट के बाद यहाँ मैं एक नाउन या नाउन फ्रेज डाल दूँ, डिस्पाइट हिज इलनेस, ये आपका एक नाउन फ्रेज हो गया, उसके इलनेस के बावजूद कॉमा वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, ऐसे कर सकते हैं हम। इसमें चाहे तो कोई और सेंटेंस जोड़ना है तो डिस्पाइट लगाइए, बीच में लगा दीजिए द फैक्ट दैट, ऐसे भी कर सकते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही, फिर डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इस दैट के बाद पूरा एक सेंटेंस बोलेंगे, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इंसल्टेड मी, इस फैक्ट के बावजूद कि उसने मेरी इंसल्ट की, इंसल्टेड मी, मैं उसे इनवाइट करूँगा, आई विल इनवाइट हिम, देख रहे हैं। तो डिस्पाइट का इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप ये द फैक्ट दैट लगाएंगे तो आपको एक और पूरा सेंटेंस बोलना होगा ना, कि इसके बावजूद कि वो मुझसे नफरत करता है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही हेट्स मी, पूरा बोलना पड़ेगा। और अगर ये द फैक्ट दैट नहीं बोलना है तो डिस्पाइट के बाद कोई भी एक या दो वर्ड लगाइए, डिस्पाइट हिज इलनेस, डिस्पाइट हैविंग अ कार, डिस्पाइट डिस्पाइट बींग इल, ऐसे कर सकते हैं। तो बस आगे देखते हैं गाइस। अब देखिए द पेंटागॉन्स असेसमेंट्स सजेस्टेड, पेंटागॉन्स यानी कि उनका जो हेडक्वार्टर है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस वगैरह, तो ये जो पेंटागॉन है उनका जो असेसमेंट है, उन्होंने जो असेस किया, जो जांचा परखा देखा, सजेस्टेड, उन्होंने ये सजेस्ट किया, देयर वर नो अमेरिकन कैजुअल्टीज, कोई भी अमेरिकन कैजुअल्टी नहीं हुई, कोई भी मतलब ऐसे मौत नहीं हुई, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, एंड ओनली मिनिमल डैमेज इन द अटैक्स, बस थोड़ा सा, मिनिमल का मतलब है ज़रा सा हल्का डैमेज हुआ अटैक में, ये पेंटागन ने कहा। मिस्टर ट्रंप, फिर कॉमा है, इन हिज रिस्पॉन्स लेटर ऑन वेंसडे, यानी कि मिस्टर ट्रंप ने अपने रिस्पॉन्स में, अपने प्रतिक्रिया जो उन्होंने कुछ कहा होगा, तो वेडनेसडे को उन्होंने क्या कहा, हैज सिग्नल्ड, उन्होंने एक संकेत दिया दैट ही वॉज बैकिंग अवे फ्रॉम फर्दर कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान, उन्होंने ये संकेत दिया कि वो अब वापस जा रहे हैं, बैक अवे हो रहे हैं फ्रॉम द फर्दर कॉन्फ्लिक्ट्स, आगे झगड़ा वो नहीं बढ़ाना चाहते ईरान के साथ, वो बैक अवे हो रहे हैं, ऐसा उन्होंने इशारा किया मिस्टर ट्रंप ने अपने रिस्पॉन्स में, लेटर ऑन वेंसडे, वेंसडे को बाद में, इन सब के बाद में उन्होंने ऐसा कहा। अब देखिए, इफ़ द US हैड रिस्पॉन्डेड विद एयर स्ट्राइक्स और मिसाइल अटैक्स इनसाइड ईरान, कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं इसे गाइस, देख लीजिए, अगर US ने रिस्पॉन्ड किया होता विद एयर स्ट्राइक यानी कि हवाई हमला और मिसाइल अटैक्स इनसाइड ईरान, ईरान के अंदर, फिर कॉमा, इट कुड हैव ट्रिगर्ड फर्दर अटैक्स फ्रॉम ईरान, तो कहीं ना कहीं ये ईरान की तरफ से एक आगे का अटैक सक्रिय हो जाता, इट कुड हैव ट्रिगर्ड, मैं आपको सिखाई देता हूँ अभी क्या है, कॉमा सेटिंग ऑफ, अब ये जो अटैक होता क्या करते हुए, तो सेट ऑफ करते हुए, सेट ऑफ का मतलब आरंभ करते हुए, सेटिंग ऑफ अ साइकिल ऑफ वायलेंस एंड अग्रेशन, और इससे क्या होता, एक साइकिल ऑफ वायलेंस, हिंसा जो है पूरी साइकिल में, तूने किया तो मैं भी करूँ, फिर जो अग्रेशन है, जो आक्रामकता जो है, वो सब चालू हो जाता गया, ये बात कही गई। तो ये इफ वाला कंडीशन यहाँ पर लगाया गया, मैं सिखा देता हूँ आपको गाइस, देखिए इसे बोलते हैं कंडीशनल थर्ड, कंडीशनल थर्ड, इसके अंदर जो पहला जो पार्ट होता है दोस्तों, ये इफ से चालू होता है, इफ, और इफ के बाद सब्जेक्ट यहाँ पर लगा होता है हैड, और यहाँ होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, कि अगर ऐसा हुआ होता, ये पास्ट को दिखाता है, ये याद रखिए, पास्ट को दिखाता है, प्रेजेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर इसका एक रिजल्ट पार्ट जो होता है ना, कि अगर ऐसा होता, तो इसका जो पार्ट टू है सब्जेक्ट, अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर वुड हैव भी आप लगा सकते हैं और आप कुड हैव भी लगा सकते हैं, आप यहाँ माइट हैव भी लगा सकते हैं,
आप यहाँ मे हैव भी लगा सकते हैं, सब चांसेस हैं। ज़्यादातर आपने वुड हैव सुना होगा ना, वुड हैव ज़्यादा सुना होगा। कुड हैव, कुड हैव का आता है कि एकदम ऐसा एकदम पॉसिबल था, कर ही देता, इसके लिए कुड हैव का इस्तेमाल होता है। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि अगर उसने मुझे गाली दी होती, तो इफ़ ही हैड, मैं अगर पास्ट की बात करूँ कि अगर उसने मुझे गाली दी होती, इफ़ ही हैड एब्यूज्ड मी, इफ़ ही हैड एब्यूज्ड मी, तो मैंने उसे चाटा मार दिया होता, एकदम पॉसिबल था, मार ही देता मैं। तो अब मैं वुड की जगह मैं कुड लगाऊंगा, आई कुड हैव स्लैब्ड हिम, स्लैब्ड हिम। तो कुड से ना थोड़ा सा एकदम ऐसा लगता है कि वाकई ऐसा कर देता वो, ये वाली फीलिंग आती है। तो इसी तरह से वो कुड हैव का इस्तेमाल किया गया है गाइस। अब देखिए बस खत्म ही है। अ डायरेक्ट शूटिंग मैच बिटवीन द यूएस एंड ईरान वुड हैव बीन डिजास्ट्रस फॉर द होल ऑफ वेस्ट एशिया। अब देखिए फिर यहाँ वुड हैव बीन, अब एक डायरेक्ट शूटिंग मैच जो चल रहा था ना कि तू कर मैं भी करूँ, जब एक मैच हो गया था शूटिंग मैच, गोलीबारी किसके बीच, बिटवीन द यूएस एंड ईरान, वुड हैव बीन, अब ये वुड हैव बीन का मतलब क्या है कि ऐसा हो चुका होता, हो गया होता, डिजास्ट्रस यानी कि एकदम विनाशकारी हो गया होता फॉर द होल ऑफ वेस्ट एशिया, जो वेस्ट एशिया है सबके लिए विनाशकारी हो गया होता। ईरान मे बी अ वीकर पावर कंपेयर टू अमेरिकाज कन्वेंशनल मिलिट्री माइट, कॉमा रुकते हैं। अब देख रहे, ईरान मे बी हो सकता है कि ईरान जो है वो वीकर पावर हो, थोड़ा कमजोर हो, किसकी तुलना में, कंपेयर टू अमेरिकाज कन्वेंशनल मिलिट्री माइट, अमेरिका का जो कन्वेंशनल, जो परंपरागत ढंग से जो उसका मिलिट्री की जो ताकत है, माइट मतलब शक्ति भी होती है, जो मिलिट्री शक्ति अमेरिका की है, तो उसके कंपेयर में हो सकता है कि ईरान कमजोर हो, वीकर हो, बट लेकिन इट इज अ फॉर्मिडेबल राइवल, लेकिन ये बड़ा ही एक भयानक वो है, प्रतिद्वंदी है, कमजोर है, बट ये भी छोड़ेगा नहीं, फॉर्मिडेबल है ये। इट नॉट ओनली हैज बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड अ वाइड रेंज ऑफ रॉकेट्स बट ऑल्सो अ होस्ट ऑफ मिलिशियाज अंडर द कमांड, अंडर इट्स कमांड अक्रॉस द रीजन। अब देखिए, इट नॉट ओनली हैज बैलिस्टिक मिसाइल, अब ईरान के पास सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल्स ही नहीं है एंड अ वाइड रेंज ऑफ रॉकेट ही नहीं, बट ऑल्सो होस्ट ऑफ मिलिशियाज, काफ़ी मिलिशियाज का एक समूह है इनके पास, होस्ट मतलब समूह का भी काम करता है। मिलिशियाज क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं, जो कुछ नागरिक लोग ही एक सेना बना लेते, तो मिलिशिया होता है, तो उनका भी एक है अंडर इट्स कमांड, इनके कमांड के अंदर अक्रॉस द रीजन, पूरे रीजन में वो भी ग्रुप है इनके पास, तो ये बड़ा ही फॉर्मिडेबल रहते हैं। इट कुड हैव मेड एन इन्वेजन, देख रहे फिर कुड हैव आ गया ना कि ये मेड एन इन्वेजन एंड एयर स्ट्राइक, इन्वेजन मतलब जो अटैक है, तो इट कुड हैव मेड एन इन्वेजन, ये अटैक करते एंड एयर स्ट्राइक करते ऑन इट्स टेरिटरीज, इसके टेरिटरीज पर, एक्सट्रीमली कॉस्टली फॉर द यूएस, टेरिटरीज एक्सट्रीमली कॉस्टली फॉर द यूएस, यानी कि यूएस की वो टेरिटरीज जो कि काफ़ी कॉस्टली है उस पर अटैक कर देते हैं। फिर से देख लीजिए, इट कुड हैव मेड एन इन्वेजन एंड एयर स्ट्राइक, ये इन्वेजन आक्रमण करते, एयर स्ट्राइक करते ऑन इट्स टेरिटरीज, यूएस के टेरिटरीज पर, एक्सट्रीमली कॉस्टली फॉर द यूएस, जो कि उसके लिए काफ़ी कॉस्टली है, एंड इट्स अलाइज, और उनके जो अलाइज हैं, जो उनके मित्र हैं, उनके लिए काफ़ी महंगा पड़ जाता है। इट कुड ऑल्सो हैव डिसरप्टेड, ये कुड हैव, कुड हैव का मतलब मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, इसका यही मतलब है कि ऐसा हो सकता था, ऐसा वो कर सकते थे, कर सकते थे, ये वाली फीलिंग समझिए आप। इट कुड ऑल्सो हैव डिसरप्टेड, ये बर्बाद कर देता, नाश कर देता ग्लोबल ऑयल सप्लाई, जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई है उसको भी बर्बाद कर देता बाई अटैकिंग द गल्फ वाटरवेज, क्या करके, बाई के बाद आईएनजी है कि गल्फ का जो वाटरवेज है उसको अटैक कर देता तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई भी नष्ट हो जाता, यानी कि ईरान बहुत कुछ कर सकता है। बाई एनी असेसमेंट अ डायरेक्ट वॉर वुड हैव बीन कैस्ट्रोफिक, कैटेस्ट्रोफिक, अब कोई भी असेसमेंट कर लो, कैसे भी इसको जांच कर लो, जो डायरेक्ट अगर वॉर होता ना तो वुड हैव बीन, ये हो सकता था, हुआ होता, वुड हैव बीन का मतलब हुआ होता, कैटेस्ट्रोफिक विनाशकारी हुआ होता। मिस्टर ट्रंप डिड वेल, मिस्टर ट्रंप ने अच्छा किया टू स्टेप बैक, कि वापस हो लिए एंड नॉट पुश द गल्फ रीजन इन टू अ डिजास्ट्रस साइकिल ऑफ वायलेंस, और जो पूरा गल्फ क्षेत्र को उन्होंने धकेल नहीं दिया डिजास्ट्रस साइकिल में, एक डिजास्ट्रस यानी कि पूरा जो विनाशकारी साइकिल में नहीं हो गया, धकेल दिया वायलेंस, हिंसा का एंड डिस्ट्रक्शन, विनाश का। द इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड नाउ पुश फॉर अ डिप्लोमैटिक सेटलमेंट, अब जो पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी है शुड नाउ, उसको क्या करना चाहिए, पुश फॉर, आगे बढ़ाना चाहिए डिप्लोमेटिक सेटलमेंट को ऑफ द
क्राइसिस एंड फाइंड वेज टू रिवाइव द न्यूक्लियर डील विच कुड ब्रिंग लॉन्ग टर्म पीस टू द गल्फ। तो उन्हें क्या करना चाहिए, जो भी डिप्लोमेटिक सेटलमेंट है उसको पुश करें, और जो क्राइसिस है, जो डिप्लोमेटिक सेटलमेंट ऑफ क्राइसिस, ये जो संकट है उसका डिप्लोमेटिक सेटलमेंट के लिए आगे बढ़े, एंड फाइंड वे, जो रास्ते निकाले टू रिवाइव द न्यूक्लियर डील, जो न्यूक्लियर डील मर गया है उस डील को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए, उसको रिवाइव करने के लिए रास्ते निकाले, विच कुड, विच का मतलब न्यूक्लियर डील है, विच कुड ब्रिंग, जो ला सकता है लॉन्ग टर्म पीस, लंबे समय के लिए शांति ला सकता है टू द गल्फ, एंड ईरान शुड सीज दिस अपॉर्चुनिटी फॉर डी एस्केलेशन। और जो ईरान है उसको सीज करना चाहिए, सीज का मतलब है कि उसको अपने में ले लेना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, अधिकार में ले लेना चाहिए दिस अपॉर्चुनिटी, यानी कि लपक लेना चाहिए, सीज का मतलब एक होता है ना कि अपने उसको बंद कर लिया है, तो इस अपॉर्चुनिटी को लपक लेना चाहिए फॉर डी एस्केलेशन, कि इससे आगे बात ना बढ़े। बस यही कहा गया है गाइज, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन, थैंक यू गाइज़।